नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। आप देख रहे हैं 4 PM लाइव। हालांकि इस समय रात के 10 बज चुके हैं और मैं 4 PM लाइव में इसलिए नहीं आ पाया, जल्दी ये कार्यक्रम नहीं देखा पाया आपको, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम में व्यस्त था। आज मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना था, मेरे मदर का जो केस चल रहा था उसका ऑर्डर हो गया था 30 अगस्त को, और उसका जो कॉपी है उसकी वो मुझे लेने जानी थी, तो इसलिए मैं 4 बजे कोर्ट से वापस आया। उसके बाद मैं समय निकाल पाया। आज का विषय ये है कि हमारे देश में न्याय है कहाँ। मैं आज आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे मदर 9 साल पहले एक्सपायर हुए डॉक्टर्स की नेगलिजेंस के कारण, हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण, जिसके लिए मैंने केस डाला कंज्यूमर कोर्ट में, और आज उसका मुझे ऑर्डर मिला है। कंज्यूमर कोर्ट ने 9 साल केस चला और 9 साल बाद क्या ऑर्डर किया ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मदर को क्या हुआ था और कैसे उनकी डेथ हुई। मेरे मदर 80 साल के करीब उनकी उम्र थी, 80-81 साल की उम्र थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, चल फिर लेते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनके कमर में दर्द होता है लगा, तो वो स्कूटर पे भी बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी उनको, लेकिन जब स्कूटर पे बैठते थे तो उनकी कमर में दर्द होती। तो मैं उनको अपने जो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे विकासपुरी में यूके नर्सिंग होम, तो वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठते थे डॉक्टर राजेश अरोड़ा, उनको दिखाने के लिए ले गया, क्योंकि जो डॉक्टर के अरोड़ा हैं जो यूके नर्सिंग होम के मालिक हैं, तो उनसे वो हमारे एक तरह के फैमिली डॉक्टर की तरह ही थे, उनसे काफ़ी हम रेगुलर पूरी फैमिली इलाज के लिए जाती थी। तो उनके पास मैं ले गया उनको, तो उनको वो बेसमेंट में था उनका डॉक्टर बैठते थे, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वहाँ मैं लेके गया उनको। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे उनको दर्द हो रही है, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी दर्द की। तो मैंने उन्हें ये कहा कि उनको बहुत दिक्कत है, वो तो बेसमेंट में सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से उतर के आए हैं, तो आप इनका जो बैक का एक्सरे कर लीजिए आप, क्योंकि उनके कुल्ले में तकलीफ थी पीछे जो। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद आप एक्सरे करा लेना, अभी आप दवाइयाँ ले लो, जबकि एक्सरे मशीन वहीं पे थी नर्सिंग होम में। उन्होंने एक्सरे नहीं किया, तो मैंने उनको दवाइयाँ दी एक हफ्ते के लिए, और उसके बाद मैं दोबारा एक हफ्ते के बाद जैसे उन्होंने कहा था कि आप एक्सरे कराना, तो हमने एक्सरे कराया। एक्सरे जब करवाया, उनको कोई आराम नहीं था, तो एक्सरे करवा के जब हम उनको घर लेके आए, मैं उनको घर लेके आया, तो घर वो गिर गए। अब फिर डॉक्टर के पास मैं गया वहाँ पे, तो डॉक्टर के अरोड़ा मिले, क्योंकि डॉक्टर राजेश अरोड़ा थे नहीं, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक्सरे की रिपोर्ट देखी और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरे पहले हुआ था, मेरे गिरने से पहले जो एक्सरे हुआ था उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर था,
मतलब हड्डी टूटी हुई थी, कुल्ले की हड्डी, लेकिन बिल्कुल हेयरलाइन था फ्रैक्चर। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो रेस्ट करें 15 दिन, ये ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अब हमने 15 दिन और दवाई दी उसके बाद, लेकिन उनकी तकलीफ ठीक नहीं हुई। फिर दोबारा एक्सरे जब करवाया तो पता लगा कि भाई वो एक्सरे में जो हेयरलाइन फ्रैक्चर था वो बिल्कुल टूट गया था, फ्रैक्चर जो हेयरलाइन था वो हड्डी बिल्कुल टूट गई थी। क्योंकि जब एक्सरे करा के घर पहुंचे तो वो जो एक्सरे की रिपोर्ट थी वो पहले की थी, लेकिन जब घर पहुंचे तो वो गिर गए, वो हेयरलाइन फ्रैक्चर पूरे फ्रैक्चर में हो गया और मेरे मदर जो है वो बेड पे आ गए, उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही इन्होंने की डॉक्टर ने, कि अगर वो पहले बता देते कि उसी टाइम एक्सरे कर लेते तो वो हेयरलाइन फ्रैक्चर आराम से वो ठीक हो जाता। लेकिन डॉक्टर ने मेरी बात सुनी नहीं और कहा कि कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद करा लेना। एक हफ्ते बाद वो हेयरलाइन फ्रैक्चर पूरा टूट गया और मेरे मदर की कुल्ले की हड्डी टूटने से वो बेड पे आ गए। तो काफ़ी कष्ट सहे मेरी मदर ने उसके बाद, क्योंकि वो बेड पे उनको रहना पड़ता था, वो कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं उनको बाथरूम भी ले जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो बेड पे रहने के दौरान हमेशा बेड पे ही लेटे रहते थे, बैठना भी मुश्किल हो जाता था। तो 80 साल की उम्र थी, डॉक्टर के अरोड़ा ने बोला कि इस उम्र में अगर आप सर्जरी कराओगे तो मदर की जान का खतरा है। तो हमने सर्जरी नहीं करवाई इसके लिए, लेकिन उनको बेड पे लेटे के रहने के कारण कई तकलीफें हो गई, उनको बेड सोल्स हो गए, उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया। तो उसका भी इलाज डॉक्टर के अरोड़ा से हम करवाते रहे, रेगुलर हम जिनके पास जाते रहे। तो लेकिन मेरे मदर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, वो कमज़ोर होते जा रहे थे, उनसे खाना भी नहीं निकला जा रहा था। फिर हमने उनको जो यूके नर्सिंग होम है वहाँ पे दाखिल करवाया, एडमिट करवाया। एडमिट करवाने पे उनके सारे टेस्ट इन्होंने किए, सब कुछ जो जो टेस्ट इन्होंने कहा था सारे कर लिए। और टेस्ट के दौरान जो यूटीआई था उसका इन्फेक्शन तो निकल गया था, उनको ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, उनको ये एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देते रहे। और मैंने जब पूछा कि मैंने कहा कहीं इन्फेक्शन तो है, तो डॉक्टर्स भी मान रहे थे इन्फेक्शन है, लेकिन कहाँ है, वो कह रहे हैं ये पता नहीं लग रहा है इन्फेक्शन कहाँ पे है। तो मेरी मदर की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती गई। उसके बाद हमने उनको ज्योति नर्सिंग होम पास में ही है यूके नर्सिंग होम के, वहाँ एडमिट करवाया। जब यहाँ पे वो उनको ठीक नहीं हो पा रहे थे तो वहाँ भी इलाज जो हुआ वो बस एंटीबायोटिक देते रहे, ग्लूकोज की ड्रिप लगाते रहे बस, और मेरी मदर ठीक नहीं हो रहे थे। फिर 16 अगस्त को हम उनको घर ले गए, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहे थे और दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वो खाना तक भी नहीं निकल पा रहे थे, खाना तक भी उनके गले के अंदर नहीं जा रहा था, और उनका ग्लूकोज जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो गया था। फिर 16 अगस्त को 15 अगस्त के अगले दिन वो घर में इसी बेड पे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ यहीं पे वो लेटे हुए थे मेरे मदर, और सुबह के टाइम उनको ग्लूकोज भी घर में लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो हम उनको ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत लो हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम उनको यहाँ पे अमरलीला हॉस्पिटल में लेके गए। पहले अमरलीला हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास इलाज नहीं है, आपके मदर का तो बीपी भी नहीं आ रहा, आप इनको कालरा हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम कालरा हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि आप मदर का चेस्ट एक्सरे दिखाइए। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे तो कभी हुआ ही नहीं, वो हैरान हो गए।
उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया और बताया, कहते हैं आपके मदर का तो जो लंग है एक लंग बस्ट कर गया, मतलब फट गया लंग, उनका फेफड़ा ही फट गया और उनको एडवांस स्टेज में टीबी है। मैं हैरान रह गया ये सुन के कि मेरी मदर को टीबी है और इन लोगों ने, ये डॉक्टर्स ने, डॉक्टर के अरोड़ा और जो ज्योति नर्सिंग होम के डॉक्टर मैदान थे, उन्होंने चेस्ट एक्सरे तक नहीं किया। इतनी बड़ी लापरवाही इन्होंने की कि इन्फेक्शन है, डॉक्टर मैदान भी कहते हैं, कहते हैं मैंने कहा कि मदर को इन्फेक्शन है, कहते हैं इन्फेक्शन तो है लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता। और डॉक्टर के अरोड़ा कहने कहा कि अरोड़ा जी आपकी मदर की उम्र कितनी है, मैंने कहा 81 साल, कहते हैं 81 साल है तो और आपकी मदर कितनी जी लेगी। तो ये तो इनका रवैया था, मेरी मदर ज़्यादा उम्र थी तो उन्होंने परवाह ही नहीं की डॉक्टर्स ने उनकी। उन्होंने इतने कष्ट सहे वहाँ पे कालरा हॉस्पिटल में, जब उनको एडमिट कराया गया उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और वो उनके यहाँ पे ट्यूब डाली गई गले में और उसके बाद उनका इलाज उन्होंने किया लगातार, वो करीब 16-18 घंटे वो वेंटिलेटर पे रहे और अनकॉन्शियस थे और उन्होंने एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया वहाँ पे उनका। और 17 अगस्त सवेरे 3 बजे उनकी डेथ। बहुत बड़ा धक्का था। मेरी मदर ने बड़े कष्ट सहे इन डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण, इनकी लापरवाही। अगर ये चेस्ट एक्सरे कर लेता है डॉक्टर के अरोड़ा या डॉक्टर मैदान, तो मेरी मदर का पता लग जाता कि ये उनको टीबी है और उनका इलाज हो जाता, लेकिन ये नहीं। जो हड्डी टूटी उनकी, कुल्ले की हड्डी टूटी, वो भी डॉक्टर राजेश अरोड़ा के। ये सारी चीज़ें की कंप्लेंट मैंने थाने तिलक नगर में भी दी, मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी, कंप्लेंट लिख के दी, कंज्यूमर कोर्ट में भी मैंने केस डाला। कंज्यूमर कोर्ट में 9 साल तक ये केस चला, 9 साल केस चलने के बाद सारे चीज़ें हमने रखी, आर्गुमेंट्स भी हुए, हमने सारे एविडेंस रखे, पूरे सबूत रखे वहाँ पे पूरे उसको, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट ने कह दिया कि जो ज्योति नर्सिंग होम है और यूके नर्सिंग होम है, इनके जो 3 डॉक्टर्स हैं, इनकी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं। तो 9 साल के बाद ये न्याय मिला है मेरी माताजी को। जस्टिस फॉर चाई जी के नाम से फेसबुक पे मैंने पेज भी बनाया था और हमने कैंडल मार्च भी 1 साल के बाद निकाला था। काफ़ी संघर्ष किया मैंने मदर को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ये न्याय मिला। तो ये है हमारे देश में न्याय है कहाँ। मैं जो कंज्यूमर कोर्ट फोरम का ऑर्डर है उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हूँ और इसके लिए मैं अपील करूँगा हायर कोर्ट में, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में मैं जाऊँगा और अपील डालूँगा इसके खिलाफ़, क्योंकि कई चीज़ें हैं। मैं उस ये जो ऑर्डर आया है ये 43 पेज का ऑर्डर है, 43 पेजेस का ऑर्डर है, काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर है, मैंने पढ़ा है काफ़ी ऑर्डर। और इसकी कॉपी आज मैं अपने वकील साहब को भेजने लगा था, जैसे ही भेजने लगा मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। अब मैं लैपटॉप ठीक करने के दे के आया हूँ, तो सवेरे ठीक हो जाएगा। तो ये मैं वकील साहब को, अपने जो हमारे काउंसिल हैं प्रसून मिश्रा, उनको ये कॉपी भेजूँगा और हम इसकी जो है अपील हायर कोर्ट में जाएँगे और न्याय, माता जी को न्याय दिलाने के लिए, अपने चाई जी को न्याय दिलाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। लेकिन इन डॉक्टर्स को जिन्होंने लापरवाही से, कोई कहता है कि आपकी मदर की इतनी उम्र हो गई है, वो उन्होंने तो जाना ही था इतनी उम्र में,
लेकिन जितने कष्ट उन्होंने सही है, अगर मेरे मदर बिल्कुल ठीक ठाक रहते, उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं होती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन उनके इन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया, उनका सही उनको इलाज नहीं मिल पाया। वो इतने हेल्दी थे, 80 साल की उम्र में वो ठीक ठाक थे, किचन का काम करते थे। मुझे उन्होंने कभी किचन में घुसने तक नहीं दिया था, लेकिन जब वो इस बेड पे आ गए थे यहाँ पे, तब उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ, खाना मुझे बनाना आता नहीं था, तो यहाँ पे बैठ के मुझे वो बताते थे कि कैसे कितना नमक मिर्च डालना है, कैसे सब्जी बनानी है। एक साल तक पूरा वो मुझे बताते रहे और मैंने खाना सीखा, बनाना सीखा। और उनके लिए ये थे मेरे मदर, बहुत हिम्मत वाले थे। लेकिन इन डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण, यूके नर्सिंग होम और ज्योति नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की लापरवाही कारण हुआ। हालांकि कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया, उनको कह दिया कि इनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं इसके खिलाफ हायर कोर्ट में जाऊँगा और अपील करूँगा। चाय जी को न्याय दिलाने के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आज उनको न्याय नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मैं निराश नहीं। 9 साल कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ा, मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी गया। इन्होंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की सुनी जाती है, मेडिकल काउंसिल में भी डॉक्टर की सुनी जाती है, वहाँ भी मुझे हमारे फेवर में फैसला नहीं होता है। दीनदयाल हॉस्पिटल में इन्होंने फाइल मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं है इसके लिए भेजी, वहाँ भी हमने मैंने जवाब दिया कि वहाँ भी प्रॉपर ढंग से उन्होंने फाइल ही नहीं देखी और कह दिया कि नेग्लिजेंस नहीं। ये सारे ऑब्जेक्शंस लगाए हमने कोर्ट में कि हम DMC के, मेडिकल काउंसिल के और दीनदयाल उपाध्याय के किसी फैसले से सहमत नहीं है, और अब आप दोबारा इसकी इसको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन भेजिए। लेकिन कोर्ट ने इसके एक्सपर्ट ओपिनियन में फर्दर नहीं भेजा और खुद ही मेरिट के आधार पर फैसला किया। लेकिन हमें न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं इसके खिलाफ जाऊंगा कोर्ट में और अपने माता जी को न्याय दिलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।